नमस्कार, सीजी न्यूज प्लस 24 में आपका स्वागत है। सबकी बात सच के साथ। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। गुरुदेव वीरेंद्र देशमुख द्वारा स्पर्श करते ही सभी रोगों का कर देते हैं खुलासा। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के एक छोटा सा गांव भेड़ी की पावनधरा की हकीकत जहां जन कल्याण की बड़ी सोच रखने वाले गुरुदेव वीरेंद्र देशमुख जी की जीवन शैली से रूबरू कराते हैं। गुरुदेव बचपन से ही आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश हुए, सफलतापूर्वक एक मंदिर में अपना आध्यात्मिक जीवन सत्संग की शुरुआत किए हैं, जहां गुरुदेव के आत्मज्ञान से स्पर्श करने मात्र से पूरे बीमारी का खुलासा कर देते हैं। गुरुदेव द्वारा माँ काली कामधेनु शिवलिंग की स्थापना की गई है, जहाँ दूर दूर से और अलग अलग राज्यों से रोज सैकड़ों श्रद्धालुओं का आगमन होता है। श्रद्धालुओं का कहना है, इस गांव की पावन धारा में प्रवेश करते ही अलग ही सुकून की अनुभूति होती है। गुरुदेव द्वारा असाध्य रोगों का सर्वनिर्मित जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता है। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। गुरुदेव MIR एक्सरे में जो रिपोर्ट आता है सिर्फ स्पर्श मात्र से ही बता देते हैं। आइए जानते हैं बचपन से गुरुदेव कहलाने वाले शख्स की आध्यात्मिक हकीकत, बचपन से लेकर आज तक की सफर। आइए जानते हैं हमारे संपादक सीजी न्यूज प्लस 24 से आर के देवानगन से वार्तालाप करते हुए। मेरा नाम है श्री वीरेंद्र कुमार देशमुख है और मैं यहाँ जो है ग्राम भूली जिला बालोद कोटे सूर्य गाँव का निवासी हूँ। और यहाँ हम लोगों का छोटा सा एक मंदिर है, काली मंदिर कामधेनु माँ का मंदिर है। यहाँ से ही मतलब सेवा संस्थान जो है स्टार्ट होता है। और ऐसे तो लगभग बाल्यावस्था से ही मैं आश्रम का संचालन कर रहा हूँ और लोग मुझे गुरुदेव के नाम से और नाड़ी वैद्य के नाम से जानते हैं। और आप सामाजिक संस्था से जुड़े हुए हैं जी, तो कौन कौन सा सामाजिक कार्य आपके तरफ से संपादित होता है जी? मेन तो ऐसे मेरा काम तो आयुर्वेद का ही है, नाड़ी वैद्य, और ध्यान साधना भी सिखाता हूँ, सत्संग भी देता हूँ। और अभी हम लोग जो है मेंटल हॉस्पिटल बनाने का भी चल रहे हैं, कहीं पे 2 एकड़ में मेंटल हॉस्पिटल बनाएंगे करके। और उसमें जितने लोग छत्तीसगढ़ में माइंड डिस्टर्ब हो करके घूमते हैं, विक्षिप्त हो करके, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उनको हमारा टीम वहाँ पकड़ के लाएंगे जब हॉस्पिटल बन जाएगा तो। और उन लोगों का निःशुल्क नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना और संपूर्ण चिकित्सा होगा। वहाँ डॉक्टर भी रहेंगे और हर प्रकार का निःशुल्क चिकित्सा होगा। जब पूरा ठीक हो जाएंगे, जहाँ उसका घर गांव शहर, उसको वापस छोड़ा जाएगा। और अमृत आश्रय रहेगा, तो अमृत आश्रय जो है वृद्धा आश्रम का ही रूप है। तो अमृत आश्रम में हो गई है कि जैसे वृद्धाश्रम में बड़े बड़े लोग अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं और वृद्धाश्रम को पैसा देते हैं देख रेख करने के लिए, तो हमारा जो अमृत आश्रय होगा उसमें बहुत जैसे गरीब लोग हैं, परिस्थिति के मारे हैं और घर से बेघर हो गए हैं, झिल्ली बिन के कागज बिन के जीवन यापन करते हैं और बीमार रहते हैं, रोड में पड़े रहते हैं, ऐसे वृद्ध लोग वहाँ रहें। और ध्यान साधना केंद्र रहेगा और औषधालय वगैरह तो रहेगा ही वहाँ पे। बाल्यावस्था में ही आप आचार्य गुरुदेव के नाम से जाने गए। हाँ जी। उसमें प्रेरणा जी, जो प्रेरणा स्रोत है आपका जी, जी। वो बताएंगे। वो तो खैर ऊपर वाले की कृपा है और लोगों की आशीर्वाद है। बचपन में क्या है, मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। मैं जब छठवीं सातवीं क्लास में था तब, उसके बाद शायद डॉक्टर वॉक्टर के पास इलाज वगैरह भी चल रहा था मेरा, तो एक बार ऐसे बेहोश हो गया था ऐसा करके बताते थे। और मतलब ये नहीं है मृत्यु हो चुके हैं करके, मगर संभवतः शायद बेहोश ही हुआ था, मैं मरा तो नहीं था। और जब वहाँ से उठा तो मेरा दिनचर्या ही बदल गया और लोग फिर गुरुदेव स्वामी जी गुरु जी ऐसा करके उपाधि देने लगे। और लोग बोलते थे भाई, बाकी मेरे तो पता नहीं था कि अगर कुछ बोलते हैं गुरुदेव तो बिल्कुल सत्य हो जाता है करके, मगर क्या सत्य होता था क्या असत्य होता था वो तो लोग ही जाने। और वहाँ से फिर गुरुदेव स्वामी जी वैद्य जी करके नाम ही मतलब वो प्रारूप ही चेंज हो गया पूरा। और मेरा भी फिर आध्यात्मिक में रुचि बढ़ते गया, ध्यान साधना मार्ग में अग्रसर होते गया और आज बृहद कार्य फैल गया। आप सामाजिक स्तर पर और कौन सा बड़ा काम करने का ऐलान करते हैं? अब देखो ऊपर वाले की क्या इच्छा है, क्या क्या कराएगा, है ना, अभी बोल नहीं सकता मैं। करने का तो बहुत सारे चीज़ है, मगर जैसे जैसे कृपा हो रहा है, लोगों के आशीर्वाद हो रहे हैं, सहयोग हो रहे हैं, वैसे वैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी बालोद जिले के ग्राम भेड़ी में आए हुए हैं, जहाँ पे वीरेंद्र देशमुख जी जो गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, उनके मंदिर में, उनके आयुर्वेद क्लिनिक में एक सामाजिक प्रतिष्ठा
का संदेश देने वो मंदिर भी बनवाए हैं। आइए जानते हैं गुरुदेव जो वीरेंद्र देशमुख जी हैं उनके पास आए हुए कुछ मरीजों से। भाई आप अपना परिचय बताएं। जी मैं गौतम कुमार श्रीवास दुर्ग जिला से आया हूँ। मैं भी बहुत कर्क रोग से जूझ रहा था। कितने दिन से आ रहे हैं यहाँ? मैं तो करीब 5 साल से आ रहा हूँ, लेकिन मैं ठीक हो गया हूँ। मैं लोगों को बता के जो ठीक हो जाएगा किसी को कोई मरीज मिलता है तो लेके आ जाता हूँ। कहाँ कहाँ आप इलाज करवा रहे थे? डॉक्टरी इलाज चल रहा था मेरा। कितने साल तक चला, कोई फायदा नहीं हुआ? नहीं, मैं तो ज़्यादा दिन नहीं कर रहा था, क्योंकि पता चलते ही मैं उस समय लॉकडाउन चल रहा था, तो पता चलते ही गुरुजी के पास आ गया। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस पावन धरा भेड़ी में जो गुरुदेव आयुर्वेद से इलाज करते हैं, जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि आयुर्वेदिक इलाज के माध्यम से बहुत सारे चीज़ों का इलाज हो रहा है गुरुजी के माध्यम के पास, और उनका उदाहरण मैं हूँ खुद, और इससे ज़्यादा क्या कहूँ। दिलीप नागवानी है, कांकेर का रहने वाला हूँ। मेरे को प्रॉब्लम थी सर्वाइकल, जो कि यहाँ आने के बाद मेरा 4 महीने ट्रीटमेंट चला है, सर्वाइकल पूरी तरह से ठीक है। आज मेरे को कुछ और तकलीफ थी इसलिए आया था, उसको इलाज करा। क्या संदेश देना चाहते हैं गुरुदेव वीरेंद्र देशमुख जी के पास आए हैं, आप इलाज करवाए हैं, आप मानते हैं कि आप ठीक हो गया है ना, तो लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं आयुर्वेदिक में क्या ताकत है? यही कहना चाहूँगा कि जितने ज़्यादा हो सके जो भी पेशेंट हैं, जो भी तकलीफ वाले हैं, एक बार आके जो यहाँ गुरुदेव से चेक करवा और अपने इलाज करवा। मैं कांकेर से आया हूँ और मैं गुरुदेव के बारे में एक चीज कहना चाहता हूँ कि आप सोनोग्राफी करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, MRI करवाते हैं, उसके बाद डॉक्टर लोग आपको आपके बीमारी के बारे में बताते हैं, लेकिन गुरुदेव जो है वो आपके सिर्फ नाड़ी छूकर आपके पूरे समस्या को बता देते हैं। तो ये बहुत बड़ा जादूगरी है, बहुत अच्छी कला है ना, और उसके बाद इलाज भी कर देते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, और आप इलाज भले मत कराइए, कम से कम आप एक जानकारी ले लीजिए, ये समझ के आ जाइए कि सोनोग्राफी करवा रहे हैं या MRI करवा रहे हैं, क्योंकि ऐसे कई मरीजों को मैं लेकर आया हूँ यहाँ, जिनका MRI होने के बाद बाकायदा गुरुदेव ने ऐसे नाड़ी छुआ और बताया और MRI रिपोर्ट हम लोग मिला है, सेम निकला है। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बस मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप आयुर्वेदिक इलाज कराइए और हो सके तो गुरुदेव के पास इलाज कराइए और 100% ठीक होने की गारंटी। यहाँ पर विज्ञान को भी फेल करता हुआ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से इलाज करने वाला गुरुदेव वीरेंद्र देशमुख। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CG News Plus 24।